परमात्मा भी भक्तों से मोह होने के कारण जंगल जंगल में भटकता है। हमको कोई कष्ट मिलता है, हम दूसरों को दोष दे देते हैं, अपने पूर्व कृत्यों पर विचार नहीं करते। मानस हमें सिखाती है कि अपने को सुधारो, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया, जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा। यहीं से भगवान केवट के पास जाते हैं, नौका मांगते हैं, मांगी नाव न केवट। जो संसार को देने वाला है वो किससे मांग रहा है? केवट से। इसके भी चार जन्म के पुण्य हैं, तब इसको दर्शन हुआ। एक जन्म से नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, चार जन्म के पुण्य हैं। हनुमान कथा में केवट प्रसंग क्यों? कहीं कहीं वर्णन है कि शंकर जी ही केवट बन के आए। बोलो जय श्री राम। और शंकर जी कौन है? हनुमान जी और शंकर जी एक। तो भगवान ने कहा केवट नाव में बिठा, तो इसने क्या बहाना लगाया? अरे चरण कमल रज कहा सब कहाई, जय जय राजा राम हरे, मानुष करन मुहूर कछु आई, जय जय सीता राम हरे। आपके चरणों में जो रज है, सब लोग कहते हैं मनुष्य बनाने की जड़ी बूटी है। बोले कैसे? तो छोटा सा प्रमाण दे दिया कि पत्थर की शिला मुनि पत्नी बन के उड़ गई, और पत्थर काष्ठ से बहुत कठोर होता है। मेरी तो एक काठ की लकड़ी की नौका है, और यदि मुनि पत्नी बन के उड़ गई तो मेरी तो रोजी रोटी चली जाएगी। अरे मेरी छोटी सी है नाव, तोरे जादू भरे पाँव, मोहि डर लागे राम, कैसे बिठारो अपनी नाव में। छोटी सी है नाव, तोरे जादू भरे पाँव, मोहि डर लागे राम, अपनी नाव में। हाँ मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहि डर लागे राम, कैसे बिठारो अपनी नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहि डर लागे राम, कैसे बिठारो। वो तो पत्थर से बन गई नारी, वो तो पत्थर से बन गई नारी, वो तो पत्थर तो बिठारो।
को झारो बोले चल जन की धूल को झारो तुरे चरणन की धूरन को झारो बोले चल जन की धूल को झारो सुनो सुनो सरकार सुनो सुनो सरकार मेरो यही कहई तुम्हार मर्म में जाना जिस मर्म को देवता नहीं जानते जिस मर्म को वेद नहीं जानते ये माझी कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं तो क्या मर्म है देखो एक मर्म बताएं जहां ये नौका थी वहां वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि 500 ऐसी नौका थी जिनमें एक एक नाव में 500-500 लोग बैठ सकते थे ऐसी क्या व्यवस्था थी ठाकुर जी को जो इसी की नाव में बैठ के जाना चाहते थे दूसरी नाव मंगा लेते नहीं दूसरा जिस परमात्मा ने दो पैर में अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल नाप लिया भूर भुव स्व मह जन तप सत्य नाप लिया उसके लिए गंगा लांघना कोई बड़ी बात थी तीसरा यमुना पार करने के लिए लक्ष्मण जी ने लकड़ियों की बांस को बांध करके नाव बनाई थी और राम जी किशोरी जी को बिठा के लक्ष्मण जी उसे तैर करके ठेलते हुए पार कर क्या यहां नाव नहीं बना सकते थे उसके बाद चौथा खुद केवट ने कहा कि महाराज पैर धुलाने में लज्जा आ रही है नहीं धुलाना चाहते हो तो एक उपाय है क्या बोले यही घाट ते थोर एक दूर है यही घाट ते थोर एक दूर है कटिलो जल थाह दिखाई हो जू पर से पग धूर तरे तरनी धरनी घर क्यों समझाई हो जू तुलसी अवलंबन और कछु लड़का के ही भात जिवाई हो जू पर मारहु मोहि बिना पग धोए बर मारहु मोहि बिना पग धोए हो नाथ न नाव चढ़ाए हो जब तक प्राण संकट में नहीं डालोगे तब तक परमात्मा को अपने बस में नहीं कर सकते हो तुलसीदास जी ने भी राम जी को कब हृदय में बिठाया बोले न्योछावर प्राण करें तुलसी मैं अपने प्राण न्योछावर करता हूं और इस केवट में भी कह दिया कि मार दो पर जब तक पैर नहीं धो लूंगा इस नाव में नहीं बिठाऊंगा हनुमान जी ने भी हृदय चीर दिया तो संसार जान गया कि राम जी हृदय में रहते हैं तो भगवान ने देखा कि भगवान का क्या मर्म है कि भगवान जिस भक्त पर दया करते हैं उसकी सारी जिद पूरी कर देते हैं न पैदल जाके पार की गंगा न दूसरी नाव में पार की
खड़े देखते रहे कि ये कब तक झुकता है या नहीं झुकता। और जब उसने देख लिया कि ये भक्त तो एकमात्र मेरा है, तो सीधा कह दिया कि बेग आन जल पाई पठा, बेग आन जल पाई पठारो। क्या मर्म है इनका याद कर लो, एक ही मर्म है कि राम ही केवल प्रेम, और वो प्रेम कैसा होना चाहिए, तो राम जी अपनी बात को भी त्याग देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदल तेरे पापो, प्रभु को नियम बदलते हे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपनी आन भले टल जाए, अपनी आन भले टल जाए, अपनी आन भले टल जाए, भक्त का मान न टलते दे, भक्त का मान न टलते दे। हे प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, हे प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम, अब हमें एक चीज बतला दो कि ये प्रेम किस दुकान पर बिकता है, किस फैक्ट्री में इसका निर्माण होता है, तो वहां से लाया जाए, क्योंकि आज हमने घड़ी नहीं पहनी है, हमको पता नहीं, हम तो प्रबल प्रेम में चल रहे हैं। तो ये बताओ कि ये प्रेम कौन सी दुकान पर मिलता है और किस फैक्ट्री में बनता है। प्रेम अमृत है, और अमृत कहां से निकला बताइए, समुद्र में से। तो ये प्रेम उस समुद्र में से नहीं निकला, क्यों, वो समुद्र खारी है। इस प्रेम रूपी अमृत को देवता और दैत्यों ने मत के नहीं निकाला, यह प्रेम स्वयं राम जी ने भक्तों के लिए निकाला। और उस समुद्र का नाम लिखो, प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोध गभी, मथ प्रगटे उसुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। भरत रूपी समुद्र में से श्री राम जी ने विरह रूपी मथानी से स्वयं मत करके ये प्रेम रूपी अमृत निकाला, भक्तों के लिए, साधुओं के लिए। प्रेम का सबसे बड़ा स्थान और सागर है श्री भरतलाल, और इसीलिए भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जे, राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे। भरत चरित्र केवल 10 मिनट में सुनाए, ये तो आदरणीय छगन लाल जी ने हमसे 9 दिन में सुना था और 6 घंटे रोज सुना था,
अब उसको हम 9 दिन के और 6 घंटे के चरित्र को 10 मिनट में जैसा सुना दें उससे आप सब समझ लेना, क्योंकि दो चरित्र के श्रोता वही थे। बोले पूरा रामचरित्र नहीं सुनना है महाराज जी, हनुमान चरित्र सुनाओ। फिर दूसरे वर्ष बोले पूरा रामचरित्र नहीं, केवल भरत चरित्र सुनाओ। दोनों चरित्र उन्होंने सुने और वो आनंद वो जानते हैं या हम जानते हैं, लेकिन आज 10 मिनट में आपको भरत चरित्र सुना। हमको शबरी मैया की झोंपड़ी तक ठाकुर जी को ले जाना है। चलिए, तो ये प्रेम रूपी अमृत भरत रूपी समुद्र में से निकला। सुमंत लौट करके आए, भगवान वाल्मीकि जी से मिलकर के चित्रकूट पर निवास करने लगे। कोल भीलों से मिलाप हुआ, हमने बतला दिया। सुमंत जी ने महाराज दशरथ जी को राम जी के बन जाने का समाचार सुनाया और राम जी का कितना बड़ा प्रेम दशरथ जी का। देखिए शंकर जी ने एक दोहा लिखा है पार्वती से, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरत, पावहि मोह विमूण जे हर विमुख न धर्म रत। राम जी का चरित्र बड़ा गूढ़ है, केवल पंडित जनों को तो इससे विरक्ति मिलेगी और जो मूर्ख होंगे वो मोह में डूब जाएंगे। तो पंडित कौन है? जिसने व्याकरण से आचार्य डॉक्टरेट डीलिट कर लिया हो, वेदालंकार हो, वो पंडित है, वो संसार का पंडित है, रामचरितमानस का नहीं। रामचरितमानस के पंडित की व्याख्या दूसरी है, सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण युत सोई जाके पद सरोज रत। सबसे बड़ा पंडित, सबसे बड़ा दक्ष, सबसे बड़ा लक्षणवान, सबसे बड़ा गुणवान एक ही है, जिसका श्री राम जी के चरणों में सबसे ज्यादा प्रेम। और राम जी के चरणों के प्रेम वाले सबसे बड़े पंडित हैं महाराज दशरथ। बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जे ही राम पर, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन त्रन इव परिहर। राम जी के चरणों में प्रेम था कि जब तक राम जी के चरण पास थे महाराज दशरथ ने प्राण रखे, और जैसे ही राम जी के चरण दूर हुए तो महाराज दशरथ ने तिनका के समान प्राण त्याग। इसीलिए सुमंत कहता है महाराज तुम पंडित ज्ञानी, कि आप बहुत बड़े पंडित और ज्ञानी हैं। तो सुमंत ने जैसे ही समाचार दिया महाराज ने प्राण त्यागे। गुरु महाराज ने दूत भेजे, भरत जी अपने ननिहाल से आए, आकर के पिता की क्रिया की और जैसे ही सभा में कहा, भरत पिता ने तुम्हें ये राज्य दिया है इसे संभालो। बोले आप सब केवल अपना स्वार्थ जानते हो, मेरा कुछ ख्याल है या नहीं कि मैं जीवित रहूंगा या मर जाऊंगा? आपको मुझसे प्रेम नहीं है? बोले क्यों? बोले जिसे नवग्रह की दशा लगी हो, वायु का रोग लग गया हो, लकवा आ गया हो और उसे बिच्छू काट ले और उसे औषधि के रूप में मदिरा पिला दो, वो जीवित रहेगा या मर जाएगा? कैसे? बोले मुझे केकई की करणी रूपी नवग्रह की दशा लगी है कि मैं केकई का बेटा हूं। राम जी के वनगमन रूपी वायु के रोग से मैं ग्रसित हूं और पिताजी के स्वर्गवास रूपी बिच्छू ने मुझे काटा है, अब ये राज्य रूपी मदरा पिला रहे हो, बताओ मेरे प्राण बचेंगे या जाएंगे?
तो भरत क्या चाहते हो? बोले मेरी भाषा तो आपकी समझ में ही नहीं आएगी। गुरु महाराज वशिष्ठ जी जैसे ज्ञानी से भरत कह रहे हैं कि मेरे हृदय की बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। तो बोले कौन तुम्हारे हृदय की बात समझ सकता है? बोले सिवाय राम जी के कोई दूसरा मेरे हृदय की बात समझ ही नहीं सकता। तो क्या करें? बोले एक उपाय है कि प्रातः काल होते ही श्री राम जी के पास जाऊंगा और उन्हें मना करके लाऊंगा और अयोध्या के सिंहासन पर बिठाऊंगा। अब तो सबके प्राण आ गए। बोले आज तक ऐसा किसी ने नहीं सोचा। सब राम वियोग में रोते रहे पर ये नहीं सोचा कि चलो राम जी को मना लाए। तो भरत जी ने कहा तिलक की सारी सामग्री लेना, लेकिन उसमें एक विशेष वस्तु ले लेना। क्या? बोले मेरे राम जी बिना पादुका के जंगल में ढूंढ गए। लखन राम शिया बिन पग पनाही कर मुनि वेश फिरहि बन बनाही। अरे मन देखो तेरे बन बनाई एही दुख दाह कहई नित छापी। है दुख दाह कहई नित छापी भूख न बासर नींद न राती। भूख न बासर नींद न राती। भूख न बासर नींद न राती। बोले देखो मेरे राम जी भाभी जानकी जी जिनके कितने कोमल चरण हैं, कमल से भी कोमल, और छोटे से भैया लखन जी बिना पादुकाओं के उस कंटक वाले कांटे वाले जंगल में घूम रहे हैं। कितने कांटे उनके पैरों में चुभे होंगे, कितनी पीड़ा हो रही होगी उनको। मेरा हृदय जल रहा है कि मैं केकई का पुत्र क्यों हुआ। मुझे दिन में भूख नहीं, रात्रि में नींद नहीं है। तो पादुकाओं को अवश्य लेके चलना। सारे राज समाज के सहित भरत जी ने वो पादुका सिंगार में रखी और चल दिए। और केवल श्रृंगवेरपुर तक मैया कौशल्या के कहने से रथ में बैठे, जहां तक राम जी रथ में गए थे। और श्रृंगवेरपुर आने के पहले ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। और यहां पर दो पादुकाओं के उपासक हैं, सारा संसार राम जी के चरणों का उपासक है, पर भरत जी चरणों के उपासक नहीं है। भरत जी राम जी की पादुकाओं के उपासक है। और निषाद ये भी राम जी की पादुकाओं का उपासक। ये पनही राम जी को निषाद ने दी थी बचपन में। निषाद ने पादुका बनाई और मन में सोचा कि मैं दशरथ जी के पुत्र को ये पादुका पहनाऊंगा, यदि उनके पैर में ठीक नहीं आई तो आत्महत्या करूंगा। कभी राम जी को देखा नहीं, कभी पैरों को नापा नहीं, भावना से पादुका बनाई और अयोध्या ले गया। भगवान ने देखा मेरे भक्त का प्रण है, यदि पादुका ठीक नहीं आई तो प्राण त्याग देगा। तो ठाकुर जी ने अपने चरण उतने ही बड़े कर लिए जितने बड़ी पादुका थी। और राम जी इन्हीं पादुकाओं को पहनते थे। कुछ दिन निषाद भी हनुमान जी की तरह अयोध्या में रहा, राम जी के साथ शिकार में जाता था। एक दिन राम जी ने प्रण कर लिया कि एक शिकार पर एक ही तीर चलेगा। और एक सिंह राम जी पर आघात कर रहा था पीछे से, तो उस पर निषाद ने भी तीर चलाया और राम जी ने भी तीर चला दिया। बोले हमने प्रण किया था कि एक शिकार पर दूसरा तीर होगा तो प्राण दंड देंगे। तो भरत जी कहते हैं भैया राजा तो पिताजी हैं, उनसे न्याय कराओ फिर प्राण दंड देना। तो जब अयोध्या निषाद आया दशरथ जी के सामने
तो दशरथ जी कहते हैं निषाद मन तो हो रहा है कि पूरा अयोध्या का राज्य तुझे दान में दे दूं, पर राम की प्रतिज्ञा है। गुरु जी निर्णय करें। गुरु जी भी कहते हैं निषाद इच्छा तो ये है कि सारी अयोध्या तुझ पर न्योछावर हो, पर राम की प्रतिज्ञा है तो प्रेमी को प्राण दंड से भी ज्यादा दंड है वियोग दंड। हम तुम्हें अयोध्या से बाहर कर,